अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीरत बतूल जो कि इंटरनेशनल वुशो प्लेयर हैं। तो थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं और अपनी अचीवमेंट्स के बारे में बताएं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सीरत बतूल है, मैं इंटरनेशनल वुशो प्लेयर हूँ। मैं कई बार नेशनल लेवल, बलोचिस्तान लेवल, प्रोविंशियल डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियन रही हूँ और एक बार इंटरनेशनल टूर जो ईरान से जायदान में हुआ था उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। ठीक है, बीइंग अ गर्ल आपको कौन कौन से हर्डल फेस करने पड़े, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा? मैं 9 ईयर्स की थी जब मैंने वो शो स्टार्ट किया, मतलब उस टाइम मेरे बाबा यहाँ पे नहीं थे, मतलब बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वो लोगों की बातें सुनने को मिले, पॉजिटिव कमेंट्स भी मिले और साथ साथ में नेगेटिव कमेंट्स भी मिले। फिर मतलब बाबा ने कहा कि मतलब तुम्हें करना है, अगर अभी मतलब ज्वाइन किया है तो अभी करना है, जो भी करना है करो, मतलब जितना आगे जा सकते हो जाओ। फिर इसी वजह से मतलब मैं आज इस मकाम तक पहुंची हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं एक इंटरनेशनल वुशो प्लेयर बनूँ और प्रोफेशनल लेवल पर खेलूँ। और आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं जो आपने अब तक जितना खेला है, कौन कौन से मैचेस में आपने पार्टिसिपेट किया है नेशनली और इंटरनेशनली, और आपने क्या क्या, आपके अचीवमेंट्स क्या क्या हैं? मैं कई बार नेशनल लेवल खेल चुकी हूँ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खेल चुकी हूँ, बलोचिस्तान चैम्पियन 9 टाइम बलोचिस्तान चैम्पियन रह चुकी हूँ और एक बार इंटरनेशनल टूर जो ईरान में हुआ था उसमें मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। 2019 में जो नेशनल गेम्स हुई थी उसमें भी मेरा सिल्वर मेडल आया। तो आपने किस तरह से प्रैक्टिस कहाँ से की, इनिशियली आपने कहाँ से स्टार्ट लिया? मैंने प्रैक्टिस हज़ारटा और मास्टर नजीब के जर सरपरस्ती में मतलब मैंने शुरू किया, अभी भी उनके जर सरपरस्ती ट्रेनिंग कर रही हूँ। मतलब आज मैं जो भी हूँ, जिस मकाम पे हूँ, उन्हीं की वजह से हूँ, उन्हीं की मेहनत की वजह से हूँ, अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से। थैंक यू सो मच। आप कौन कोई लास्ट मैसेज जो आप हमारी यूथ को देना चाहेंगी और लड़कियों को देना चाहेंगी कि वो आगे बढ़ें? और मैं ये मैसेज आना चाहती हूँ कि मतलब सब आए, मतलब लड़कियाँ तो आना चाहती है लेकिन फैमिली से इजाज़त नहीं देते। मैं मतलब फैमिलीज को कहना चाहूँगी कि उनको मतलब इजाज़त दे ताकि मतलब वो अपना सेल्फ कुछ ना करें, मतलब एटलीस्ट अपना सेल्फ डिफेंस कर सके। तो मतलब आजकल बलोचिस्तान के हालात बहुत ख़राब हुए हैं, मतलब हम ये इसलिए भी कह रहे हैं कि हम अपना सेल्फ डिफेंस कर सकें। थैंक यू सो मच। ये थी सीरत बतूल, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़, कैमरामैन अमीन बरेज के साथ सना रहमान, एबी न्यूज़।